हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पिन्नाकोल, पिन्नाकोल रीअरेंजमेंट एंड सेमी पिन्नाकोल रीअरेंजमेंट. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एग्जांपल्स लिए हैं और उनका मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे. ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है बट हम इसमें उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, फर्स्टली हमने इसकी एग्जांपल ली है. इसमें क्या है, इसमें दैट इज़ अ विस डायोल. ठीक है, और दो इस एक साइड में दोनों फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और दूसरी साइड में एक साइड फिनाइल और एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ ऑलरेडी हमने किया है कि एच पॉजिटिव आयन ही हम इसमें यूज़ करें, दैट इज़ अ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमको क्या देता है, एच पॉजिटिव आयन देता है. ठीक है, और एच पॉजिटिव आयन है उसका मेन फंक्शन क्या है कि उसने प्रोटीनेशन करनी है. ठीक है, प्रोटीनेशन वो किसकी करेगा, वो इस ऑक्सीजन की भी कर सकता है, वो इस ऑक्सीजन की भी प्रोटीनेशन कर सकता है. ठीक है, बट इसमें हमने मेजरली जो इसकी डिपेंडेंसी है कि वो किस ऑक्सीजन को प्रोटीनेट करेगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकोटाइन. ठीक है, इसमें कौन सा कार्बोकोटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा उस चीज़ पर डिपेंड करता है. ठीक है, अगर हम इसके फर्स्ट की बात करें, इसमें क्या है, इसमें कार्बन फिनाइल, ठीक, और इस जगह पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस कार्बन को अगर हम इस कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको अगर हम प्रोटीनेट करते हैं तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ अ फर्स्ट कार्बोकोटाइन. ठीक है, इस कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम इसको छोड़कर दूसरी कार्बन है उसको प्रोटीनेट कर दें. ठीक है, उसको प्रोटीनेट कर दिया तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है. ठीक है, अब इसमें दैट इज़ अ सेकंड पॉसिबिलिटी. ठीक है, सेकंड कार्बोकोटाइन है उसकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि इसमें हमने स्टेबिलिटी देखनी है कि कार्बोकोटाइन कौन सा कार्बोकोटाइन क्या है ज़्यादा स्टेबल है उसी को हम प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, इसमें क्या है, इस कार्बन के साथ दोनों फिनाइल ग्रुप्स हैं. ठीक है, दैट इज़ प्रेफर टू कंजुगेशन, दैट इज़ स्टेबलाइज दैट कार्बोकोटाइन. ठीक है, और इस केस की अगर मैं बात करूँ, इसमें एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड मिथाइल ग्रुप लगे, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी जो फर्स्ट कार्बोकोटाइन है उससे क्या है, कम है. ठीक है, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ मोस्ट स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करेंगे. ठीक है, दैट मीन्स दैट दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू बी प्रोटीनेटेड. ठीक है, दैट ऑक्सीजन टू बी प्रोटीनेटेड. ठीक है, ये प्रोटीनेटेड होएगी. ठीक है, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर आया है दैट मीन्स दैट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करेगा. ठीक है, और वो H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा. ठीक है, वो निकल गया. ठीक है, इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है. ठीक है, रीअरेंजमेंट में ऑलरेडी हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किया हुआ है कि सबसे पहले क्या आएगा, फिनाइल ग्रुप आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन. ठीक है, उसके बाद कोई भी R ग्रुप. ठीक है, फिनाइल ग्रुप की इसमें पॉसिबल ज़्यादा है. ठीक है, मिथाइल की बजाय जहाँ पर कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा. ठीक है, फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन होगी, अगर फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन होगी विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑब्वियसली इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है. ठीक है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, क्योंकि दैट इज़ अ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन दैट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, और इसके साथ वाली कार्बन पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली दैट इज़ अ एडवर्स सिचुएशन. ठीक है, अब ऑक्सीजन उसको क्या करना चाहेगी, उसको स्टेबलाइज करना चाहेगी. ठीक है, उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट कर जाएं, इस कार्बन के साथ शिफ्ट कर जाएं. ठीक है, इस कार्बन के साथ शिफ्ट करेंगे दैट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स, और ये किस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, एच पॉजिटिव की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी फॉर्मेशन होएगी. ठीक,
दैट इज़ अ फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, सेकेंड अब हम यूज़ करेंगे, इसमें हमने साइक्लिक फॉर्म यूज़ की हुई है. ठीक है, इसमें फोर जो कार्बन्स है उनकी रिंग अपने यूज़ की हुई है दोनों साइड में. इसमें हम किसी को भी प्रोटीनेट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है ग्रुप्स में. ठीक है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी उसमें डिस्टिंक्शन थी ग्रुप में, इसके लिए हमने उसको क्या किया था, उसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज़ किया था. उसमें स्टेबिलिटी हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो हम यूज़ करेंगे. सेकेंडली हमने उसमें क्या कंसेप्ट यूज़ किया था, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकोटाइन. उसमें क्योंकि टू कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन थी, बट इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होने के कारण हम किसी भी जो ऑक्सीजन है उसको प्रोटीनेट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें H पॉजिटिव आयन है, उसने क्या करना है, उसने प्रोटीनेट करना है. प्रोटीनेशन किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी. ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. दैट मींस दैट इज़ अ बेटर रिलीजिंग ग्रुप. ठीक है, वो इजीली रिलीज हो जाएगा. और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, वाटर की फॉर्म में रिलीज होया, इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, देन उसके बाद क्या होगी, माइग्रेशन होगी. ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या करना है, रीअरेंज करना है. रीअरेंज किस तरीके से होगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके साथ वाली कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो एक साइड पर मूव कर जाएंगे. ठीक है, जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ इस कार्बन पर मूव करके जहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. मोस्टली हम यही करते हैं कि जब भी हम माइग्रेशन करवाते हैं तो उसके इस कार्बन के साथ वाली कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इसी को करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ वाले जो जो कार्बन का ग्रुप है उसके पास हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे. इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसमें नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कहाँ पर जाएगा, माइग्रेट करेगा. ठीक है, माइग्रेट करेगा और हम क्या बोल सकते हैं, वो पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन. तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन इस कार्बन के साथ हो जाएगी. दैट मीन्स अब जो फोर जड़ी जो हम कह सकते हैं कि फोर मेंबर जो रिंग है अब किस में कन्वर्ट होगी, फाइव मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई. और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और ये जो है एज सच किसके साथ अटैच होगी, इस कार्बन के साथ अटैच होगी. ठीक है, इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अब ऑक्सीजन उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा. इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर मूव कर जाएंगे. ठीक है, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, थ्री बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी. और एच पॉजिटिव फॉर्म में ये हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, रिलीज़ कर जाएगा ये. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है, इसमें एक साइड में फाइव मेंबर रिंग है, उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ फिनाइल ग्रुप है. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले हमने जब ग्रुप्स की डिस्टिंक्शन हो दोनों कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप हो, तो उसमें हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें स्टेबल कार्बोकोटाइन कौन सा होगा. ठीक है, ये कार्बोकोटाइन स्टेबल हो गया, जहाँ ये कार्बोकोटाइन स्टेबल होगा. ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो कार्बन की स्टेबिलिटी है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन टर्शरी कार्बोकोटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी. ठीक है, बट उसके भी ज़्यादा कौन सा ग्रुप जो कह सकते हैं कि ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज़ अ फिनाइल ग्रुप. क्योंकि फिनाइल ग्रुप में क्या होती है, कंजुगेशन होती है. ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें फाइव मेंबर रिंग है, यहाँ पर दोनों साइड पर सिक्स मेंबर रिंग अटैच्ड है. ठीक है, दैट मीन्स दैट कार्बोकोटाइन इज मोस्ट स्टेबल, दैट इज़ इन अ कंजुगेशन पार्ट, दैट इज़ अ सैचुरेशन पार्ट. ठीक है, दैट मीन्स दैट कार्बोकोटाइन इज अ मोस्ट स्टेबल, सो दैट ऑक्सीजन विल बी प्रोटीनेटेड. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, प्रोटीनेट करेंगे. प्रोटीनेट करने से जो वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा. ठीक है, रिलीज़ हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब हमने इस कार्बन पर क्या लाना है, पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है. वो कैसे लेकर आएंगे, इसके साथ इसकी साथ वाली जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर कार्बन पर मूव कर जाएंगे, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज द पेंटागनल रिंग. ठीक है, इसमें फाइव मेंबर रिंग है, अब ये क्या बनाएगा, सिक्स मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग की फॉर्मेशन की. ठीक है, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि उसकी ऑक्सीजन है जो, ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या होगा एक एच पॉजिटिव की फॉर्म में क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये है, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसमें टू अलग अलग डिफरेंट जो कार्बन्स हैं उनके साथ OH लगाओ, जो इन्वायरमेंट है दोनों में क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें भी हम स्टेबल कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन को की बात करेंगे, ठीक है। इसमें कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पर जिस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है, बट इसमें दोनों के दोनों जो जो कार्बोकोटाइन है दैट इज़ अ स्टेबल, सो दैट फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि फिनाइल ग्रुप की सबसे ज़्यादा है, देन टर्शरी कार्बोकोटाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। अब इसमें इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कार्बन क्या है CH2 की फॉर्म में है, दैट मीन्स दोनों में ही जो कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ अ सेम स्टेबिलिटी, तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, इसमें टू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, सबसे पहले हमने इसको प्रोटीनेट किया, प्रोटीनेट करने के बाद वो क्या है वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो गया, ठीक है। वाटर की फॉर्म में रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमने इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव कर जाएंगे, इस कार्बन पर मूव कर जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या कर देगा, किसको रिलीज कर देगा, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है जो इसकी फॉर्मेशन है दैट इज अ प्रोडक्ट ए, ठीक है। जो प्रोडक्ट बी बनाएंगे उसमें हम किसको प्रोटीनेट करेंगे, उसमें इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम प्रोटीनेट करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम इसको किसको प्रोटीनेट करेंगे, इस ऑक्सीजन को प्रोटीनेट करेंगे, प्रोटीनेट करने से वो वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएगा रिलीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें कोई भी ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो ऑब्वियसली इथाइल ग्रुप है जो वही मूव करेगा, यहाँ पर मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मूव करने से इस कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मूव करने से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाएगा, बट ऑक्सीजन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब उसने पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है स्टेबलाइज करना है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा वो एच पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा रिलीज कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस जो सेकंड बी प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स इन दिस टाइप टू टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉर्म, ठीक है, बिकॉज इसमें जो कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी है दैट इज़ अ सेम, कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी होने के कारण यहाँ पर हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होएगी। देन नेक्स्ट है, देन नेक्स्ट दैट इज़ ऑल्सो बी अ सेम, बट यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर इथाइल ग्रुप की जगह हमने क्या लगाया हुआ है फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है, बट इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें इसका रीज़न क्या है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक तो ये कार्बोकोटाइन बनेगा, दूसरा कहाँ पर आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी से अलावा जो फिनाइल ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस कंपैरिजन यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट इज़ अ स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। और इसका मतलब हम किसको प्रोटीनेट करेंगे, इस ऑक्सीजन को प्रोटीनेट करेंगे, जब इसको प्रोटीनेट करेंगे तो वो वाटर की फॉर्म में क्या करेगा रिलीज़ कर जाएगा, ठीक है। वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हुआ
देन उसके बाद क्या होगा, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना तो माइग्रेशन होगी, ठीक है। माइग्रेशन किस तरीके से होगी, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे। नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। दैट इज़ अ 5-मेंबर रिंग अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6-मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और साथ वाली कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एच पॉजिटिव आयन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बट इस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मेजर रीजन यही है कि इसमें जो दैट कार्बोकेटाइन इज अ मोस्ट स्टेबल, दैट कार्बोकेटाइन इज अ मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाऊँ वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाने से उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो क्या हो जाता है, इनक्रीज कर जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसमें हम किसको करेंगे, इसमें हम इस कार्बन को क्या करेंगे, प्रोटीनेट करेंगे, ठीक है। इसमें जो OH ग्रुप लगा है उसको प्रोटीनेट करेंगे। OH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, वाटर की फॉर्म में, ठीक है। और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव कर जाएंगे, इस कार्बन पर मूव कर जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव का आपस में बॉन्डिंग होगा, दैट मीन्स दैट इज 6-मेंबर रिंग। 6-मेंबर रिंग अब किस में कन्वर्ट हो रही है, 7-मेंबर रिंग में कन्वर्ट है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो 7-मेंबर रिंग है उसकी फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ इस कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज किस तरीके से होगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इस प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट एग्जांपल ली है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, इसमें जो दैट इज़ अ सेम इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों साइड पर सेम इन्वायरमेंट है, ठीक है। किसी को भी हम प्रोटीनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को मैंने प्रोटीनेट कर दिया तो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल की बजाय इस मिथॉक्सी ग्रुप का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जितने अगर हम फिनाइल ग्रुप में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर देंगे, तो उसका जो माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है दैट विल इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम फिनाइल ग्रुप में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में फिनाइल की बजाय जो जे ग्रुप है वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसलिए इसकी माइग्रेटरी पावर जो फिनाइल से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। माइग्रेट करेगा, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे, जहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। देन ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो डज नॉट बियर एनी पॉजिटिव चार्ज, सो इजिली एच पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इस प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। देन नेक्स्ट इज अ एग्जाम्पल्स और सॉरी प्रॉब्लम्स ऑफ सेमी पिनाकुल रिएक्शन, ठीक है। सेमी पिनाकुल रिएक्शंस क्या होती है, इसमें क्या है कि एक साइड पर OH ग्रुप ही अटैच है और दूसरी साइड पर
NH2 ग्रुप, कोई भी X ग्रुप हो लग सकता है, कोई भी हेलोजन अटैच हो सकता है, ठीक है। इसमें हमने क्या रिएजेंट यूज़ किया है, इसमें हमने HNO2 यूज़ किया है और इसकी फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने की थी। NaNO2 किस में रिएक्ट करते हैं हम, HCl में रिएक्ट करते हैं, उसमें NH2 किस में कन्वर्ट होगा, N2 में, ठीक है। इसमें दैट मीन्स दैट इज़ अ रिडक्शन पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी, दैट इज़ अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूव करेगा जहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, दैट विल रिमूव, ठीक है, N2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने से जो साथ वाली कार्बन का है उसमें जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या, कहाँ पर मूव करेगा, दूसरी कार्बन पर मूव कर जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें कोई भी ग्रुप की डिस्टिंक्शन नहीं है, इसलिए इजिली फिनाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज़ करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। और इस यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए प्रोटोन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लास्ट हम क्या कर रहे हैं, लास्ट हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, साइक्लिक जो एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी हमने की हुई है, ठीक है। इसमें सेमी पिनाकोल रिएक्शन है, उसमें हमने ऑलरेडी किया है। इसमें अगर सिस पोजीशन, सॉरी, अगर इसमें मिथाइल और OH जो हैं, R और OH अगर ट्रांस पोजीशन में है तो उसमें माइग्रेशन पॉसिबल है मिथाइल ग्रुप की, ठीक है। अगर यहाँ पर मिथाइल और OH सिस पोजीशन पर होंगे, उसमें जो है कि डायरेक्ट जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसकी माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें रिंग की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। उसमें क्या है, रिंग की रिडक्शन कंप्रेशन हम बोल सकते हैं। इसमें ऑलरेडी सेम मैकेनिज्म है जहाँ पर प्रोटीनेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट सेम है, किसी भी को भी हम प्रोटीनेट कर सकते हैं, तो हमने इसको प्रोटीनेट कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल और OH एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पर है, इसलिए मिथाइल ग्रुप यहाँ पर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में मूव करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस एच पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। देन लास्ट हमने उसके साथ डिफरेंट एग्जांपल ली हुई है, इसमें क्या है, हमने OH और मिथाइल ग्रुप को कहाँ पर रखा है, सिस पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम उसको प्रोटीनेट करेंगे, प्रोटीनेट किसी भी ऑक्सीजन को हम कर सकते हैं, जैसे हमने इस ऑक्सीजन को कर दिया, अब वो वाटर की फॉर्म में रिलीज़ करेगा, वाटर की फॉर्म में रिलीज़ करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें OH और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के सिस पोजीशन में है, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट नहीं करेगा, यहाँ पर उसके साथ वाली जो साइक्लिक फॉर्म है उसमें जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव करने से इसके साथ बॉन्डिंग होगी, 6 मेंबर रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, दैट मीन्स ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या रिलीज़ करेगा, एच पॉजिटिव आयन है उसको रिलीज़ करेगा। दैट इज़ अ प्रॉब्लम्स ऑफ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एज वेल एज सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। थैंक यू सो मच।